सोचकर कि आने वाले वक्त में जो बड़ी क्रांति होएगी, जो कि होनी तय है, भारत जो देश है वो इतनी आसानी से गुलामी स्वीकार नहीं करेगा अब की बार, क्यों ताजा ताजा आजाद होया है, ये तो 100 साल भी नहीं हुए हैं आजाद हुए ना। और जो यह पीढ़ी है जिस जो इस टाइम पे 40-50 की उम्र में है, 30 की उम्र में भी जो है, ये अभी पिछले 10 साल पहले तक तो आजाद थे ही, अभी पिछले 7-8 साल से ही गुलामी वाली फीलिंग ज्यादा आनी शुरू हुई है, इससे पहले तो आजादी की फीलिंग ले रखी है, तो इनका तो दम घुटेगा और ये आने वाले टाइम में इससे निकलने के लिए झटपटाएंगे। तो उस टाइम उनके पास अगर आसपास में या इस जब वो क्रांति शुरू होगी, अगर उस क्रांति को ठीक से मैनेज या ठीक से टैकल नहीं किया गया तो ये लोग मतलब उस पूरी की पूरी क्रांति को वैसे ही बदनाम कर देंगे जैसे इन्होंने अभी तक के चल रहे सारे आंदोलनों को किया। यही सोच करके फिर हमने तय किया था कि भाई विध्वंस तो कोई भी कर लेगा, देखो क्रांति करके और क्रांति के नाम पे आंदोलन करके और पिछली सरकारों को गिराना कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो आज अगर विपक्ष के साथ थोड़ी ठीक सेटलमेंट करके ना, और वो सारी फंडिंग दे देंगे आंदोलन फिर हो जाए, जैसे ये 2012 में हुआ था जो अन्ना आंदोलन था, वो सारा संघ और बीजेपी द्वारा प्रायोजित था, सारे चैनलों को अडानी का पैसा गया था लाइव चलाने के लिए, तो क्योंकि कांग्रेस को बदनाम करना था, विकल्प के तौर पर खड़ा होना था, एक केजरीवाल खड़ा कर दिया, एक ये खड़ा कर दिया पैरेलल में कि कांग्रेस ने लानी, जहां बीजेपी कमजोर होएगी वहां उसके लिए केजरीवाल खड़ा कर देंगे। रामदेव का आंदोलन था चाहे अन्ना का आंदोलन था, दोनों आंदोलनों में देश की जो जनता थी उसकी ये फीलिंग थी कि भाई बस इसी सरकार ने इबका घेर लो और देश बच जाएगा। अगर आप आज का हालात देखोगे ना, आज इस टाइम पे आज भी ये हालात हैं कि देश के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि बस या सरकार ने बजा दो देश बच जाएगा। अच्छा ल्यावे किसने, वो किसी ने नहीं बेरा, ल्याना कौन है, कैसे है, किस मुद्दे पे ल्याना है, वो किसी को भी नहीं पता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैंने दिक्कत ना रोटेट नहीं करी इसकी स्क्रीन। अब जब भी ऐसे कोई संगठन तैयार होते हैं तो वो आने वाले टाइम में फिर ये कोशिश करते हैं कि भाई हम राजनीतिक विकल्प देंगे आपको, और फिर वो राजनीतिक विकल्प भी फिर उसी व्यवस्था की भेंट चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो ऊपर बैठे आदमी है ना, वो जो लॉबी है, ये मेडिकल लॉबी हो गई, ये सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फिर ये कपड़ा इंडस्ट्री, तंबाकू इंडस्ट्री, दारू की इंडस्ट्री, या ये रोड जो बनाते हैं ये वाली इंडस्ट्री, ये इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कि ये इतनी आसानी से जाड़ में से निकलने नहीं देते। राज्यसभा में भी बैठे हैं, पहले विधानसभाओं में भी बैठे हैं, लोकसभाओं में भी बैठे हैं, तो ये आपको उस मकड़ जाड़ में उलझा के घेर देंगे जो भी आदमी इसको करने लगेगा। सरपंच मेंबर तक भी सही बात है वो, सुनी लाड़ी बात। तो इससे निकलने का तरीका क्या है, विध्वंस करना कोई मकसद नहीं है, पॉलिटिक्स करना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स करके भी आप नहीं कर पाओगे, कितने बड़ी आदमी ना आप वहां लेकर चले जाइयो उसका यही हाल होना है। तो फिर क्या किया जाए कि आप नुकाओगे ना कि यू नहीं तो कौन, पहली बात तो यह सवाल ही गलत है कि भाई के देश में इतना बड़ा नाश हो गया, अग भाई 135 करोड़ पॉपुलेशन में मर पे एक बड़ी आदमी नहीं, दूसरी बात एक आदमी से काम कैसे चलेगा, भाई एक आदमी पे सारा बोझ घेरांगे तो कर ही नहीं सकता, देखो कितना बड़ा खेल खेला इन्होंने 2014 से, जब भी कुछ बढ़िया हो जाए तो बोला मोगली जी ने किया। और ये जो नेता हैं और ये जो अफसर हैं ये नौकर हैं, अब आप तीन लोगों ने 40-50 साल में एक व्यवस्था बनाई कि इलेक्शंस जो हैं वो पैसे नहीं लड़ पाएगा,
एक संगठन नहीं लड़ पाएगा ना, व्यवस्था से संगठन कैसे लड़ेगा, उन्होंने तो व्यवस्था बनाई। और हम लोग संगठन बनाएंगे तो हम नहीं लड़ पाएंगे, व्यवस्था से लड़ पाएगी व्यवस्था। मतलब
कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर ये तो डाउट हो जाए कि आपका घर में पालतू जानवर है जो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी, उस पर वायरस हो सका है तो वो उसको मार सकते हैं। अगर आपके घर में किसी सामान पे डाउट हो जाए, भाई इनके कपड़े में हो सका है, इनके बेड में हो सका है, इनके अनाज में हो सका है, तो वो उसको आग लगा सकते हैं, आपके घर पे तो भी आग लगा सकते हैं। अगर आपके घर के किसी मेंबर पे हो जाए तो वो उसको जबरदस्ती घर से उठा के ले जा सकते हैं, चाहे हम खुद हो चाहे हमारी माँ बहन बेटी हो, वो ले जाएंगे। उसके ऊपर कोई भी टेस्ट करने का, कोई भी तरीके का उसके ऊपर इलाज करने का, कोई भी केमिकल या कोई भी सुई लगाने का अधिकार है सरकार को, आपकी परमिशन के बिना। ये उस कानून के अंदर लिखा हुआ है, और उस कानून में पिछले पेज पे जिन बीमारियों का जिक्र है उन बीमारियों से आप बच ही नहीं सकते। यानी के किसी भी एक आदमी को टारगेट करना हो, जैसे अभी इन्होंने क्या किया, घर घर दस्तक के अंदर एक गेम खेला कि हर आदमी के घर पे जा करके ये पता कर रहे थे कि इस घर में कितने रह रहे हैं लगवाए बिना। तो आप लोग पहला टारगेट हो उस कानून का, और उसके नाम पे कंपलसरी भी हो सकता है आने वाले टाइम में। जैसे अभी तक तो क्या कर रहे, रुके मार रहे थे कि भाई लगवाओ ना लगवाओ वॉलंटरी है, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कह दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में भारत सरकार ये कहने वाली है कि भाई देखो आदमी खुद बीमार हो जावे, अपना इलाज करवाओ ना करवाओ, इसमें तो खैर आदमी की अपनी मर्जी है, पर उसको ये हक नहीं है भाई वो दूसरों को बीमार करे, इसलिए कंपलसरी करेंगे हम। तो अब आप लगा लेना अंदाजा कि ये हेल्थ बिल अगर आ जाता है तो ये आपके बच्चों को किस तरफ लेके जाएगा। इसके साथ साथ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन भी बिल है, एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD कानून बहुत अभी पास कर दिया उन्होंने WMD को, वो हमें पता भी नहीं है। बल्कि मतलब इधर से हमारे बच्चे जहांगीरपुरी में पत्थर ठाया खड़े थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, और उधर से वो WMD पास भी कर गए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं तो मैं आगे भी बना दूंगा एक और। आप सोचो कि ऐसे ऐसे कानून आने वाले टाइम में आ जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस वक्त आंदोलन तो तेज होगा।
ये मत समझना कि ये वेस्ट हो गया। और फिर सिर्फ आप साथ नहीं हो, बाकी के 21 जिले भी आपके साथ हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई एक तो जो 5000 परिवारों का अपना टारगेट है शुरू का, कि पूरे हरियाणा में क्या हम ऐसे 5000 परिवार इकट्ठे कर सकते हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा हो के एक कॉल पे इकट्ठे हो जाओ आप? क्या हम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जिनके लिए हम अपनी जान देने को तैयार हो जाएं? हम एग्जांपल देते हैं, भगत सिंह ने देश खातर फांसी टूटा, लेकिन वही से आदमी खातर फांसी टूट गया जिन आजादी का मतलब है कौन बेरा भाई? जय हम किसे जय अपनी जान देने लगा तो कम से कम न्यू बेरा रहा होगा कि इन 5000 परिवार खातर जान दी हमने, हमने उन आदमियों खातर कौन देनी जिनसे न्यू कहे ना सरकार बढ़िया कर रही है, जिनसे न्यू मानना है कि सरकार गलत कर रही है, उन परिवार खातर तो लड़न का फायदा है, ऊ खाम खाई किल की मान का क्या फायदा है जिनने बेरा को नहीं थारे खातर कोई आदमी जान के धड़ी बदर का चल रहा। इसलिए फिर ये सोचा कि इन 5000 परिवारों को इकट्ठा करके एक दूसरे से मिलवा देते हैं, अपने बालकान भी लाइयो, अपनी पत्नियां भी, अपने पतियान भी लाइयो, उड़े सारे आपस में मिल लें और उस दिन ये अनाउंस करें कि भाई जिसके घर के बाहर जनता सरकार मोर्चा का बोर्ड लगा मिल जाए ना, एक तो सरकार का आदमी उस घर में ना बढ़ जाइयो, गलती थे भी छोड़ांगे नहीं, गलती थे मतलब भूल गए ना, गलती थे ना जान के कुछ तरह किसी तरह कर लियो, बढ़ नहीं जाओगा कोई आदमी। नंबर दो, अगर इन 5000 परिवारों में से किसी को भी कुछ होता है, या तो जेल हो जाए, या एक्सीडेंट में मारा जावे, या ये गोली मरवा दें, या ये कोई षड्यंत्र कर दें, तो किसी के साथ भी कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को कल्ला नहीं छोड़ना भाई। 5000 परिवार तो रोज का 1 रुपया भी देवेंगे तो रोज के 5000 रुपये हो गए, 1.5 लाख रुपए महीने में उसका परिवार ठीक पड़ जाएगा। आदमी तो दे नहीं सकते, देखा पा आप भी नहीं दे पाते, मारे कुछ हो जाए किसी कुछ हो जाए, लेकिन इतना तो यकीन होगा ना कि मारे बालक भूखे कौन मरते हैं। तो ये 5000 परिवार एक दूसरे के हाथ से हाथ बांध के एक दूसरे को मजबूत करेंगे, और जब आप 5000 आदमी 5000 परिवार इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अपने बालकों ने ना भूखे मरने देवा, ना अनपढ़ रहने देवा, अपनी यूनिवर्सिटी खोल सका आप, अपनी इंडस्ट्री खोल सका 5000 परिवार, तो अपना काम धंधा कुछ भी कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सका 5000 आदमी, बशर्ते कि ये
इतना रुपये की सब्जी खान लग रहे, इतना रुपये का जो खान लग रहे हो, उस बोर्ड के तले दूसरा बोर्ड मारा होगा जनता सरकार मोर्चा, असली बताओगा थारी के फरियर के हो है। जड़े जड़े उसने बोर्ड लगा के बराबर हमारा बोर्ड एक पाओगा जानकारी जानकारी वो सब तो महंगा जानकारी ठीक है ना जी। तो ये इस तरीके से वो बोर्ड बैनर सुखाने खातर भी हमें पैसे चाहिए है, तो हमारे पास तो को नहीं है। लेकिन जब वो लोग अगर जो दूसरे नंबर वाला आदमी है जो कह रहे हैं कि आपको आर्थिक सहायता दे देंगे तो उस पर दवा ले लेंगे। भाई हमने अभी तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि जब तक हमारे पास स्टेट में 5 आदमी ना हो और डिस्ट्रिक्ट में 3 आदमी ना हो जो इतने हार्ड कोर ईमानदार हो कि किसी के रुपये ने न्यू नहीं दे। भाई बलारा ने कहा दिए 50 रुपये, के करेगा 50 का, पब्लिक का पैसा तेरे समस्या खातर को नहीं है। अगर इतना कहने वाले आदमी नहीं होंगे तो फिर पैसा लेने का कोई फायदा नहीं किसे पता। तीसरे नंबर पे एक बंदा कहे भाई बहुत गलत कर रहा, मैं तो टोंदा फिरू था यार, कोई मिल जाए बोलने वाला बता के करना है, उसका भी लिख लो। ऐसे करके आप अपने फोन की लिस्ट में अगर 1000 आदमी है तो मुझे नहीं लगता कि 10 आदमी भी नहीं होंगे, 10 तो होंगे। केवल इस मुद्दे पे आपका साथ देने वाले 10 आदमी चाहिए अपन है। भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, स्टेट की मीटिंग में कबाड़ नहीं बुलाना,